सिलिकॉन के ऊपर अपना जो हेडलाइट होता है, इंडिकेटर प्रॉब्लम होता है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। अभी देखियो, ऐसे एक वायर इधर समझ ले सॉकेट लगा हुआ है, सॉकेट इधर लगा हुआ है, इसमें से डायरेक्ट कनेक्शन इसमें नहीं आया हुआ है। इसका जो कनेक्शन है पीछे से वायरिंग से जाके फिर रिटर्न वापस यहाँ इधर आया हुआ है। इसमें कैसे, अगर समझ लो आपके इसमें करंट नहीं आ रहा है, ये देखिए ये वायर में अगर करंट नहीं आ रहा है और इसमें भी करंट नहीं आ रहा है, और आपके जो इंडिकेटर होता है देखिए इसमें भी अगर करंट नहीं आ रहा है और इसमें भी करंट नहीं आ रहा है, आपका जो पीछे का इंडिकेटर है समझ लो चालू है और आगे का इंडिकेटर नहीं चालू है, तो आप इसको कैसे इजी से बना सकते हो? फर्स्ट नंबर आप क्या करना चाहिए, ये देखिए वाइट कलर का वायर है, इसको छील के देख लेना चाहिए करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर करंट आ रहा है तो समझ लेना, अगर इसमें वाइट वाले में करंट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से कनेक्शन लेके इसमें देखो दूसरा वाला वाइट है इसमें दे सकते हो। और ऐसे पल्सर भी प्रॉब्लम होता है, पल्सर भी ऐसे है, पल्सर का पहले जो होता है यहाँ से जाके पीछे जाता है फिर रिटर्न वापस यहाँ इधर आता हुआ है, तो ऐसे आपका समझ लो इंडिकेटर या आपका हेडलाइट, आपका जो राइट लेफ्ट का इंडिकेटर नहीं चालू हो रहा है तो प्रॉब्लम आप इजी यहाँ से कर सकते हो। नहीं तो क्या करना पड़ता है, वायरिंग है पूरा वायरिंग को फाड़ के देखना पड़ता है वायर कहाँ से ब्रेक है। अब इसमें देखिए, और दूसरा जो होता है अपना ये हेडलाइट जो चालू होता है जिसे मारते हो तो उसके में भी रिले लगा हुआ है जिसको बोलते हैं अपर डिप्पर, जैसे दूसरा एक आता है डिप्पर देने के लिए अपर देने के लिए, तो उसमें एक रिले छोटा से लगा हुआ रहता है। अगर आपका नहीं हो रहा है समझ रहे हो तो ना बैटरी से कनेक्शन है, या आप गाड़ी बंद रहेगा तो आपको भी चालू करके मैं दिखा दे रहा हूँ, पहले बल्ब लगा के ये बल्ब लगा दे रहा हूँ और चाबी चालू कर दे रहा हूँ। ये चाबी चालू है, यहाँ से जो बटन है ये देखिए बटन, ये दबाएंगे देखो चालू होता है, ये देखिए ये चालू होता है, इसका देखो साउंड भी आता है, ये देखो ऐसा साउंड आएगा टिक टिक करके, तो समझ लेना है कि आपका ये बराबर समझ लो चालू है, क्योंकि इसमें कनेक्शन देखो ब्लू कलर का कितना वायर आप देख लीजिए, पहले एक तीन वायर है और इसमें देखो कनेक्शन आया हुआ है, एक दो ये तीन कनेक्शन इधर आया हुआ है, इसमें से जाके फिर रिटर्न आके इधर आता है ये सॉकेट में, फिर यहाँ से आपका हेडलाइट चालू होगा। मैं क्योंकि आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, फिर चेक करते रहते हैं कि करंट कहाँ से नहीं आना चाहिए, आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, तो आपको ढूंढने में तकलीफ होगा, तो आपको मैं ये इजी बता रहा हूँ। जैसा हम लोग आपको रिपीट कर रहा हूँ, समझ लेना चाहिए कि आपका जो इंडिकेटर है नहीं चालू है, राइट लेफ्ट का इंडिकेटर देखो, ये इंडिकेटर का कलर का वायर है, देखिए ये इंडिकेटर का है, ये अर्थिंग का है, ये हरा कलर का अर्थिंग है, ये हल्का देखो ऑरेंज कलर है, और ये देखो ये कलर का है, ये दोनों इंडिकेटर का है, और ये हेडलाइट का है, ये अपर डिपर का हेडलाइट है। समझ लेना चाहिए आपका हेडलाइट नहीं चालू हो रहा है, सबसे फर्स्ट नंबर आप बल्ब आपका अच्छा है और करंट नहीं आ रहा है तो आप फर्स्ट नंबर यहाँ से चेक कर लेना चाहिए, और समझ लो इसमें भी नहीं आ रहा है तो यहाँ से भी चेक कर लेना चाहिए, यहाँ से करंट आ रहा ही नहीं है, क्योंकि इसका देखो सॉकेट ये अलग है। इसका देखो अभी एक ये दो और इधर से ये देखो, ये इधर से वायर ये अंदर जाके ये अंदर से ज्वाइंट होके फिर वापस ये रिटर्न वायर इधर आता है, ये दूसरा ये जो सॉकेट है देखिए, ये दूसरा सॉकेट है इसमें आता है रिटर्न, तो ये जैसे सेम इसमें इन्हीं कोन में है सेम ऐसे पल्सर में होता है, पल्सर में प्रॉब्लम भी हो जाता है और ये गाड़ी में प्रॉब्लम होता है, आप इजी से सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट